बार एसोसिएशन गढ़ मुक्तेश्वर ने गढ़ थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अधिवक्ताओं ने मंगलवार को सीओ कार्यालय पर धरना दिया और अपनी मांग के समर्थन में तहसील में भी प्रदर्शन किया और न्यायिक कार्य से विरत रहे। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष ने भी अधिवक्ताओं को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुर्जर ने अधिवक्ताओं को अपना पूर्ण समर्थन दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि दो वकीलों के साथ पुलिस ने गाली गलौज करते हुए हवालात में बैठाया, जिनकी जानकारी करने गए साथ ही वकीलों के साथ कोतवाली प्रभारी ने अभद्रता की। उन्होंने कहा कि पहले भी देखा गया है कि कोतवाली प्रभारी लगातार वकीलों का अपमान करते आ रहे हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया और न्यायिक कार्य से विरत रहे। कचहरी के बाहर हंगामा करने के बाद बार अध्यक्ष और सचिव के नेतृत्व में वकील तहसील मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया और रजिस्ट्री कार्यालय में तालाबंदी की। अधिवक्ताओं ने इसके बाद सीओ कार्यालय के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं की मांग है कि निरीक्षक, दो दरोगाओं और एक कांस्टेबल को निलंबित किया जाए। वहीं भारतीय किसान यूनियन संघर्ष को जब मामले की जानकारी हासिल हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मौके पर पहुंचे, जिन्होंने अधिवक्ताओं को अपना पूर्ण समर्थन दिया। और संघर्ष की और अत्याचार की यह लड़ाई जो हम अधिवक्ता अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, आप हमारा पूर्णतः सहयोग करें और इस धरने को जो गढ़ इंस्पेक्टर जो तानाशाही इस क्षेत्र में चला रहा है उसके खिलाफ हमारा सहयोग करें। ये आपने शुरुआत की है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं और धन मन और धन तीनों तरह प्रकरण आज का ही नहीं है। पूर्व में भी मुझे जानकारी होती रही है, हमें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, उच्च अधिकारी कोई शिकायत नहीं। मैं आज मैं घोषणा करता हूं आपके बीच में, आप लोग चले हो जब तक ये इंस्पेक्टर नहीं हटेगा, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष आपके साथ।